इवनिंग रामफल जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जितने भी लोग जुड़े हैं बीएससी के सेशंस में, हम लोग आईपीएफ बीएससी आईपीएफ का ये सेशन है। यहाँ पर हम लोग आज इंडस्ट्रियल एनालिसिस में हम लोग एग्रोकेमिकल के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। तो एग्रोकेमिकल्स होते क्या है, एग्रोकेमिकल्स से बहुत सारी अलग चीज़ें हम लोग समझेंगे, और इसके साथ ही साथ हम लोग एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पे कवर करना चाहेंगे, जो कि कंपनीज कौन से हैं। आपको एक थोड़ा सा आउटलुक मिल जाएगा, और उसके बेसिस पे एक इन्वेस्टमेंट डिसीशंस कैसे लेना है वो आपको आइडिया दे सकता है पर्टिकुलर एनालिसिस। तो चलिए फ्रेंड्स, जितने भी लोग जुड़े हैं, शुरुआत में आप लोग गूगल फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि बीएससी आईपीएफ के सेशंस में प्योर एंड प्योर ये जो है नॉलेज ड्रिवन सेशंस हम लोग कंडक्ट करते हैं, और इसके साथ आपको जो है जिस फॉर्म फिल करना ज़रूरी रहता है फ्रेंड्स, कि ये डेटा हम लोगों को सामने फॉरवर्ड करना पड़ता है, इसीलिए आपको ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी लोग ये फॉर्म फिल कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग चलते हैं एग्रोकेमिकल्स है क्या, पहले इस पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग एग्रोकेमिकल्स इंडिया के एस्पेक्ट्स में ये क्यों इम्पॉर्टेंट है उसको भी हम लोग समझेंगे, और सबसे आखिरी में जो है एग्रोकेमिकल्स रिलेटेड कौन से कंपनीज हैं इंडिया में, और उसके बाद आप फिर बाद में आप खुद उसके एनालिसिस खुद कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, एग्रोकेमिकल्स के ऊपर थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बेस क्या है एग्रोकेमिकल्स, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ा जो है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो फंडामेंटली क्या बदल रहा है पॉपुलेशन में, एक पॉपुलेशन बढ़ रहा है 2050 तक 9 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगा ग्लोबल पॉपुलेशन। यहाँ पे ओवरऑल हम लोग ग्लोबल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपनीज आज सिर्फ इंडिया में ही सप्लाई करूँगा, इंडिया के बाहर सप्लाई नहीं करूँगा, ऐसा नहीं रहता है। आपको आपका प्रेजेंस जो है हर जगह पर, आपको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ पे आप शिफ्ट हो जाते हो, अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट कर लेते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, साथ ही साथ आप देखो कैलोरी डिमांड विल इंक्रीज बाय 50%। तो आप देखो पिछले एक डेढ़ साल से लोग जो है कैलोरी कॉन्शियस हो गए हैं, न्यूट्रिशन ज़्यादा लेने की बात कर रहे हैं, अच्छे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लेने की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल फूड लेने की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली इसकी डिमांड और बढ़ा देती है, एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट्स। तो आप यहाँ देखिए, डिमांड फॉर फूड इज ड्रिवन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सबको पता है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली हर एक इंसान को जो है खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखो किस हिसाब से बढ़ने वाला है और कौन सा ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो ये ग्रीन जो है ये डेवलप्ड है, और ये ऑरेंज जो है ये डेवलपिंग है या एमर्जिंग कंट्रीज़ की बात करेंगे हम लोग। तो ये दोनों में आप देखो 1950 में 2.5 बिलियन था, 2011 में 7 बिलियन है, और 2050 में ये 9 बिलियन हो सकता है। तो ये आप देखो टाइम हिसाब से आप देखोगे, और एक और चीज़ आप देखोगे 80% ऑफ ग्रोथ हैपन्स इन एमर्जिंग मार्केट्स। सो जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है पॉपुलेशन को थोड़ा सा कंट्रोल में लाया जाता है, बट जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये डेफिनेटली हम लोगों को ये बहुत ही क्लियरली बताता है कि एमर्जिंग मार्केट्स में ही आपको जो है ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ती है। तो आप देखिए फूड अलग है और फीड अलग है, दोनों में अंतर क्या है। फूड मतलब हम लोगों को हमारे जो खाने पीने के जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग फूड में गिनते हैं, और फीड में जो बेसिकली पोल्ट्री फार्म्स के लिए यूज़ होते हैं उसके लिए जो खाद्य पदार्थ को
डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो जो है फील्ड के अंदर आता है। तो आप देखो दोनों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप देखो चेंजिंग डाइट इम्पैक्ट ऑन ग्रेन डिमांड, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, इंक्रीज्ड वेल्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज लीड्स टू हाई प्रोटीन कंटेंट एंड हाई कैलोरी डाइट्स। तो देखिए दोनों में यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। ये थोड़ा सा पुराना डेटा है बट मुझे लगा कि इस पे थोड़ा सा बात करके हम लोग, सब्जेक्ट भी यहाँ पे कवर है इस पर्टिकुलर इसमें, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो हाई प्रोटीन कंटेंट की बात कर रहे हैं ये लोग। सो हाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और हाई कैलोरी फूड्स दोनों में आप देखो दोनों की रिक्वायरमेंट आपको बढ़ेगी, बढ़ते हुए दिख रही है। तो होता कैसा है कि पैसा है तो पैसों में फिर ऐसा है कि बाहर के खाने की चीजें हम लोग आदत लग जाती है। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम फेस हमारे बॉडी में आया, तब पता चलेगा कि हमारे बॉडी में जो हाई प्रोटीन है ही नहीं, तो हाई प्रोटीन डाइट्स लेना शुरू कर देते हैं। तो आप देखो नंबर है, आप देखोगे यहाँ पे 2000 में कितना है, 2050 में कितना है, अलग अलग प्रांतों में। ये थोड़ा सा ये जो है बहुत छोटे छोटे नंबर्स, ये नाम है आपको दिखेंगे नहीं, ये नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, ईस्ट एंड साउथ एशियन पैसिफिक, यहाँ पे सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका ये है, और आखिरी अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा। तो बेसिकली डिपेंड मतलब वो ज़्यादा से कम की बात यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। यहाँ पे आप देखो दिस इम्पैक्ट डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल फीड, तो ये देखिए एग्रीकल्चरल फीड, सो पर केजी ऑफ मीट प्रोडक्शन रिक्वायर्ड दिस मच ग्रेन्स। तो आप देखो ये बेसिकली ये एक केजी मीट के लिए इनको 2 केजी खाद्य देना पड़ता है, इसके लिए 4 केजी इसको देना पड़ता है और 7 केजी जो है इसको देना पड़ता है। सो ये एक फूड की रिक्वायरमेंट है। तो डिमांड ये देखिए डिमांड इस तरह से बढ़ रहा है। यहाँ पे अभी हम लोगों को देखना है कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है खेती के लिए जो जमीन है, जमीन एक लिमिटेड स्पेस है, और यहाँ पे आप देखो अबाउट अ थर्ड ऑफ ग्लोबल लैंड सरफेस इज एग्रीकल्चर। सो जित पूरे दुनिया में जो भूमि है जो है उसमें एक तिहाई जो है, 1/3 जो है एग्रीकल्चरल लैंड है, और उसमें भी आप देखो ओनली 12% इज फॉर क्रॉप्स। तो क्रॉप्स के लिए जो है ये यहाँ पे देख रहे हैं इस हिसाब से। अब देख हाउ डू वी मीट ग्रोइंग डिमांड, तो ये देखिए लैंड की यहाँ पे आप देखो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के साथ यहाँ पे अदर्स एग्रीकल्चर देखिए 4.9 है। सो इस एग्रीकल्चर को हम लोगों की डिमांड कैसे पूरी करें, ये एक समस्या है। आप देखो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, तो इतने सालों से हम लोग जो किताबें में पढ़ रहे हैं कि इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल कंट्री, देखिए आप इंडिया का किस हिसाब से यहाँ पे स्पेस है। ग्रीन आप देखो, ग्रीन तो क्रॉप लैंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस कारण जो है इंडिया को एग्रीकल्चरल कंट्री के नाम से देखते हैं, बाकी भी कंट्रीज है बट आप देखोगे इंडिया में पूरा एक ऊपर से नीचे वेस्ट से ईस्ट हर जगह पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। तो ये आप देखो, इसके साथ हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाना जरूरी है। जमीन कम है, लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ये जब दोनों चीज़ें होंगी तो क्या करेंगे हम लोग, हम लोगों को एक ही ज़मीन में जितना हम लोग ज़मीन में उपजाऊ ज़मीन है उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी जो है वो थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो 40% ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड इज नेवर यूज्ड, देखिए कितनी बड़ी और इम्पोर्टेंट है ये बात, मतलब खाना कम है इसीलिए ये नहीं है, खाना हम लोग उसको
जो किसान जो है उसको उगा रहे हैं, बट वहां से जो लोगों को पहुंचना है उस तक जो है वो नहीं आता है। वो क्यों, कितना 40% का जो है लॉस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्शन, पोटेंशियल प्रोडक्शन देखिए, एस्टिमेशन तो 100, 110 से 140% है। सो 110 और 40% के हिसाब से आप ये देखिए यील्ड गैप। सो जितना पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल से ग्रो नहीं होता है, ये पहली बात। उसके बाद आप देख सकते हो हार्वेस्ट लॉस, मतलब आप तक जो खेती में जो हम लोग देखते हैं, आप तक जितनी प्रोडक्शन और बेसिकली उसमें बहुत सारी चीजें रहते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। तो हार्वेस्ट आने के पहले 2 से 10% की जो खेती जो है वो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। तो एंड एट द एंड ऑफ द डे आप देखो प्रोडक्शन जो है 100 गुना 100% आपको दिखता है। इसके बाद आप देखो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस 5 से 30% देखने को मिलता है। प्रोसेसिंग लॉस देखो आप 1 से 5% दिखता है। डिस्ट्रीब्यूशन वेस्ट देखो आप 1 से 5% मिल रहा है। कंज्यूमर वेस्ट देखो आप 10 से 30%। तो इस तरह से आप पूरा ये वेरिएशन अगर आप देखोगे तो करीबन जो है 40% का नंबर आता है। तो 100 में से सिर्फ 60 गुना हमारे पास आता है, बाकी 40% जो है मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। तो मैनेजमेंट में दिक्कत है, तो ये एक बड़ी समस्या हम लोगों को देखना है। इसके साथ हम लोग देखेंगे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए। तो आप देखो ये है करेंट यील्ड। दूसरा जो है आप देखो क्रॉप प्रोटेक्शन। सो क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर हम लोग अगर ध्यान देंगे, मतलब जो खेती चल रही है, खेती में जो है वहाँ पे हम लोगों को इंसेक्ट्स नहीं रहेंगे, और जो जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स रहते हैं, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम लोग वो सही तरीका हम लोग लेंगे तो डेफिनेटली ये जो ब्लू जोन है इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। और इसके साथ उपजाऊ जमीन में हम लोग और कितना ज़्यादा उसको उपजाऊ हम लोग बता सकते हैं, मतलब 1 एकड़ जमीन में यदि मैं सिर्फ 30 बस्ते अगर मैं देखता हूँ तो 30 को मैं 40 कैसे बना सकता हूँ, क्या 40 से 50 बन सकते हैं क्या? तो ये 30 से 50 जो हम लोग बात कर रहे हैं इसको हम लोग क्रॉप यील्ड बताते हैं। मतलब जमीन उतनी ही है बट उस जमीन को हम लोग और कितना हम लोग उसको सींच सकते हैं, जिस वजह से आपका जो है उतने ही एकड़ जमीन से आप 50 बस्ते जो है, आप राइस की बात करो, फिर गेहूं की बात करो, किसी भी आप खाद्य पदार्थ की बात करें, तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं इसको। टेक्नोलॉजी के साथ इसको जोड़ना जरूरी है। तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये दो चीज बहुत मायने रखते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और इससे इतना ऊपर आने के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कितनी कितना कितना बड़ा गैप है। आप देखो राइस 21-22% है, इसको 100% बढ़ाना है, मतलब 80% बढ़ सकता है, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो देखिए वेरिएशन इन क्रॉप यील्ड, तो आपके यील्ड देखिए हाई से लो है। सो यील्ड यहाँ पे आप देखो इंडिया में यील्ड जो है बुरा नहीं है बट इसको और बेहतर कर सकते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे जगह पे बिल्कुल जो है खेती हो ही नहीं पाती है। तो ये आप देखिए पूरा सहारा पूरा एरिया है, तो पूरा तो ये आप देख सकते हो रहती है, ये हर जगह पे आप देखिए प्रोडक्टिविटी कितनी लो है कितनी ज़्यादा है, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ आप देखिए टेक्नोलॉजीज फॉर यील्ड, यील्ड को बढ़ाने के लिए क्या है, आप जो सीड से जो है आप अच्छे क्वालिटी के सीड्स आप खरीदिए, महंगे वाले सीड्स आप खरीदिए, तो ये एक तरीका है। मैकेनिज्म इंक्लूडिंग इरिगेशन, सो बेसिकली पुराने ज़माने में जो है बैल को ज़्यादा यूज़ किया जाता था, आज जो है मशीनरीज को यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही में इरिगेशन की बात करते हैं, खेतों में बहुत जगह खेतों में कैसा है कि पानी नहीं आता है,
और उस वजह से होता कैसा है कि इरिगेशन को दिक्कत हो जाती है, अगर खेती में पानी नहीं होगा तो डेफिनेटली वो एक प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आप देखिए सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, सो आपने स्कूल में पढ़ा होगा सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्यों यूज़ किया जाता है पहले हम लोगों को समझना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग एक्चुअली हमारे सब्जेक्ट में आ रहे हैं कि बायो जो जो हम लोग एग्री केमिकल्स की बात कर रहे हैं, एग्री केमिकल्स यहाँ से एक एक करके आते हैं। तो देखिए यहाँ पे NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम, तो ये NPK की बात हो रही है। तो इसकी ज़रूरत क्यों आती है? इसकी ज़रूरत इसीलिए आती है कि शुरुआत में जब पुराने ज़माने में आप 30 40 साल 50 साल की बात अगर बात करते हो तो उसके पहले हम लोग खेती जो है साल में सिर्फ एक बार हम लोग रहते थे, या तो फिर खरीफ क्रॉप्स या तो फिर रबी क्रॉप्स, इसको हम लोग उसको देखते थे। बट आज आप देखोगे साल में 2 बार या 3 बार खेती में जो है फसल उगती है। तो इससे होता कैसा है कि वो जो कंपेंसेशन जो है 6 महीने में, बाकी के शुरुआत में वो 6 महीने में होता क्या था, बाकी के 6 महीने में होता ये था कि उस खेत को वैसे ही रख दिया रहता था। तो उसमें होता कैसा कि घास उग गया उग गए रहते हैं, तो यहाँ घास उगेंगे तो डेफिनेटली गांव के जितने भी गाय हो भैंस हो सभी वहाँ जाके चारा खाते हैं। चारा खाने के बाद फिर वहीं से काउडंग की बात करेंगे, तो काउडंग आप देखोगे गोमूत्र और काउडंग दोनों बहुत ही बेसिकली जमीन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है और खेती के लिए भी अच्छी मानी जाती है। तो उस वजह से होता कैसा है कि जो भी चीज छूट गई है, जो NPK की बात हो रही है, नेचुरली जो खेती को और जमीन को मिलता था वो चीज इस वजह से हो नहीं पा रहा था। तो अभी होता कैसा है कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को लाना पड़ रहा है, और इसीलिए आप देखो NPK ये स्कूल्स में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। DDT हम लोग आप देखोगे तो वो डेफिनेटली इसी इसमें आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन, सो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी छोटे 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 जानवर की बात करो, छोटे इसकी बात करो, तो उसमें आपको ये क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए दवाई डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम जो है एग्रीकल्चरल सिस्टम को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए ये क्यों हो रहा है, देखिए ग्लोबल एग्रीकल्चरल बिजनेस, ये थोड़ा सा मैं आपको वही बता रहा था कि थोड़ा सा डेटा जो है थोड़ा सा पुराना है। तो अभी हम लोग एग्रोकेमिकल्स के ऊपर हम लोग जब बात करते हैं तो एग्रोकेमिकल्स करता क्या है? सो ए केमिकल विच कैन सेफली बी अप्लाइड टू अ क्रॉप इन ऑर्डर टू गिव द फार्मर हायर यील्ड, बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस, रिलायबिलिटी, इजी ऑफ इन्वेस्ट। तो बेसिकली शुरुआत से लेके आखिरी तक पूरे प्रोसेस को ज़्यादातर आपको सपोर्ट करने वाला जो है प्रोसेस जो है वो एग्री केमिकल सपोर्ट आप केमिकल्स दे सकते हो। तो एग्री केमिकल्स जो हम लोग बात करेंगे तो ये 3 चीज़ों पे ज़्यादा काम करता है, एक इंसेक्टिसाइड्स, एक फंगिसाइड्स और एक हर्बिसाइड्स। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग देखेंगे कि होता क्या है। तो आप देखिए क्रॉप्स आर इन कंपटीशन विथ वीड्स, प्लांट डिसीजेस और इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारे इसमें आप जब देख रहे हो तो फसल जब होती है तो डेफिनेटली इन सारे चीज़ों पे आप देखोगे। सो ये वीड्स का मतलब है घास, तो ये देखेंगे हम लोग। अबाउट 10,000 इंसेक्ट स्पीसीज आर स्पेसिफिक क्लासिफाइड एज पेस्ट। वीड्स आप देखो 600 स्पीसीज है पेड़ पौधों के लिए, और यहाँ पे आप देखो जो है डिसीसेस भी होते हैं, जैसे लोगों को डिसीसेस होते हैं वैसे जो है खेत जो है पेड़ पौधों को भी जो है बीमारियाँ होती है। तो वो बीमारियों के लिए ये तीनों चीज यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एग्रोकेमिकल्स, इसका जो है ये बहुत पुराना है। तो बेसिकली फर्टिलिटी उपजाऊ को बढ़ाने के लिए ये बात हो रही है, बट जो एग्जैक्टली हम लोग अगर एग्रोकेमिकल्स की बात करते हैं ये 1940 से शुरुआत हुआ है इसका,
और 1940 से आप देखिए DDT जो मैं आपको पहले बता रहा था कि इंसेक्टिसाइड्स के लिए इसको यूज किया जाता है। तो हम लोग पहले, अगर आपको आइडिया होगा तो DDT के आप जो भी देखोगे तो हमेशा फसल के ऊपर बात करते हुए ये लोग हमेशा ये DDT के ऊपर बात किया करते। तो ये एक पॉइंट है। तो ये हिस्ट्री की बात हो रही है, तो क्रॉप प्रोटेक्शन हम लोग जो बात कर रहे थे, तो क्रॉप प्रोटेक्शन है क्या, तो कौन सी चीज़ों पे काम करता है। तो आप देखिए ये वीड कंट्रोल, मतलब ये जो है ये फसल है और ये जो है घास है, तो ये बाहर का जो घास जो है, ये घास आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, घास ऐसे ही हो जाता है, तो उस घास को मतलब घास को पूरा मतलब मारने के लिए, उसको पूरा जो है ड्राई करने के लिए एक वीड कंट्रोल रहता है। तो आप सिर्फ वो घास मर जाता है, जो है फसल को कुछ नहीं होता है, तो उस तरह से उसको बनाया जाता है। तो वो एक वीड कंट्रोल के लिए है। फंगस जो है, बीमारियां जो है, पेड़ की बीमारियां रहती हैं उसके लिए फंगस कंट्रोल के लिए है। यहाँ पे इंसेक्ट की बात करते हैं तो इंसेक्ट कंट्रोल के लिए यूज होता है। बायोटिक स्ट्रेस, ये कुछ अलग है, अबायोटिक स्ट्रेस की बात करते हैं। और ईल्ड, सो ये सारे क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए अभी मैं एक बार हाँ चलिए कुछ सवाल है तो फ्रेंड्स आप कर सकते हो। कुछ आपके सवाल होंगे तो बिल्कुल सर। ये रिपोर्ट कहाँ से मिलती है राम जी? ये अलग अलग वेबसाइट से हैं जो जो बहुत ज़्यादा यूज है। मैं वही डेटा जो है मैं आपको बताता हूँ। तो डेफिनेटली ये डेटा आपको आराम से मिल जाता है। पुराना डेटा नया डेटा अलग चीज़ है, बट आपको कॉन्सेप्ट कवर हो उसके लिए ये बहुत पुराना है, मतलब 2012 का डेटा है ये, बट आपको सब्जेक्ट मिले इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके बाद वाला डेटा जो है फिकी, FICCI, वहाँ से डेटा मिलेगा। चलिए तो जस्ट मैं जो क्वेश्चंस अगर है कुछ तो मैं उसके लिए मैं यहाँ पे आ रहा था, सॉरी। हाँ, तो क्रॉप प्रोटेक्शन में सबसे पहले हर्बिसाइड की बात हो रही है। तो हर्बिसाइड में हम लोगों ने, मैंने आपको क्या बोला है, ये जो घास है घास को मारने के लिए जो जो एग्रोकेमिकल्स हो रहा है वो हर्बिसाइड्स बोलते हैं। तो हर्बिसाइड्स कंट्रोल वीड्स दैट कम्पीट विद क्रॉप फॉर लाइट एंड न्यूट्रिशन। तो ये आपको निकालना ज़रूरी है। ये ऐसे ही उग जाते हैं, इसको अलग से कुछ नहीं डालना पड़ता है। तो इसको जो है ये प्रॉब्लम ये निकालना ज़रूरी है। तो इसके लिए ये जो है हर्बिसाइड्स यूज़ किया जाता है। इसके बाद आप देखो वीड्स वही बात कर रहे हैं। देखिए ट्रीटमेंट के बाद और ट्रीटमेंट के पहले कितना अंतर है। ये जो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये खेत नहीं है, यहाँ पे आप देखो ये है एक्चुअली, तो ये डिफरेंस रहता है। तो आप देखो जितना आप पानी डालोगे, तो अगर ये आप वीड्स को वीडिसाइड्स अगर नहीं डालोगे तो होगा क्या, हर्बिसाइड्स अगर नहीं डालोगे तो होगा क्या, ये जो है पानी ये भी पौधा ले, घास भी ले लेगा और आपका जो फसल है दोनों को लगेगा। आप इसको अगर छिड़कते हो केमिकल्स, अगर आप छिड़कते हो तो होगा क्या, ये जो है घास या जो जो ज़रूरत नहीं है उस वो मर जाएंगे और सिर्फ फसल रहेगी। तो वो पूरा का पूरा जो पानी है वो फसल पूरी तरह से यूज़ करेगा। तो ये एक फ़ायदा रहता है। तो ये आप देखो सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव, ये उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। एक और चीज़, ये आपको आइडिया नहीं होगा,
तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो ये हर्बिसाइड जो है सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव एरियाज के लिए है। तो यहाँ पे आप देखो ये रेलवे ट्रैक क्यों है, ये रेलवे ट्रैक इसीलिए है कि ये हर्बिसाइड जो है इसको यहाँ पे भी ट्रैक के आजू बाजू में भी यूज किया जाता है। कारण क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे पेड़ पौधे अगर आना शुरू हो गए तो दिक्कत हो जाएगी ट्रैक के लिए, तो इस वजह से जो है यहाँ पे भी उसका यूज किया जाता है। तो ये हर्बिसाइड से अलग अलग कंपनीज हैं। अभी फंगिसाइड, ये जो है बीमारियां जो होती है, देखिए आप ये जो है फंगस लग जाता है। तो यहाँ पे आप देखो फंगस आलू का एग्जांपल दिया है इन्होंने, तो फंगस अगर लग जाते हैं तो डेफिनेटली उस वजह से क्रॉप का क्वालिटी और जो है फसल की जो वो जो जो जितना जितने मात्रा में फसल उगनी चाहिए जिस मात्रा में होने चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो उस वजह से ये एक फंजीसाइड्स का भी एक इशू है। तो ये देखो आप कि अलग अलग तरीके से रहते हैं, स्पोर जर्मिनेशन प्रिवेंटिव क्यूरेटिव इराडिकेट एंटी स्पोर एट। तो ये देखिए अलग अलग पूरे स्टेज में आप देखोगे अलग अलग जगह पे इसका यूज होता है। तो ये फंजीसाइड्स है यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे अगर फंगस लग जाता है तो देखिए फसल जो है आप देखो इतने 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 जो छोटे छोटे, अब जब भी आप खेती की बात करोगे ऐसे छोटे छोटे जब ऐसे आपके पौधे जैसे आपकी फसल उगना शुरू हो जाएगी तब से ये जो है तब ये इंसेक्टिसाइड जो है ये बेसिकली फंजीसाइड जो है इसको डाला जाता है। तो आप उसको अगर वो नहीं डालते हो तो देखिए यहाँ पे ये ट्रीटमेंट के मतलब यहाँ पे डाला गया है यहाँ नहीं डाला गया है, तो देखिए आपका फसल जो है शुरुआत से ही आना बंद हो जाएगा। तो वो फंगस, तो बेसिकली इसीलिए हम लोग जो बोलते हैं ना बच्चे और बड़ों में अंतर क्या है, बच्चों को बचपन में बहुत ध्यान से उनको देखना पड़ता है, एक बार बड़े होंगे डेफिनेटली उनको पता चल जाता है कि कैसे उसको अपने आप को संभलना है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, शुरुआत का टाइम है तो आपको समय देना पड़ता है फसल के ऊपर, तो वो ये यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। तो ये एक चीज़ है, यहाँ पे आप देखो कीटाणु जो है कीटाणु को मारने के लिए ये आप देखिए क्रॉप प्रोटेक्शन इंसेक्टिसाइड, तो इंसेक्टिसाइड आप देख सकते हो। तो इंसेक्टिसाइड के वजह से आप देखो कितना बड़ा डैमेज होता है। तो कॉर्न जो है करीबन कुछ 20-22% के हिसाब से लॉस, राइस कॉटन फ्रूट्स कॉफी वेजिटेबल्स हर एक जो है फसल प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। तो कैटरपिलर्स आप देखोगे, बीटल्स देखोगे, तभी हम लोगों ने देखा था कि तो ये सारे जो है ये पत्तों को खा डालते हैं। तो जैसे और बेसिकली आपको पता होगा पत्ते और फ्रूट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली जब वो खाना शुरू हो जाते हैं तो डेफिनेटली जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं वही हम तक नहीं पहुँचेगा, तो डेफिनेटली क्रॉप लॉस है। तो क्रॉप लॉस यहाँ पे आप देखिए मेजर तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए अलग अलग है, यहाँ पे बीटल्स हैं, टोबैको वर्ड कॉम है, तो ये बीस लेडी बर्ड्स, तो ये सब है अलग अलग है, तो ये आप देख सकते हो। तो इसके अलावा से ये एग्रोकेमिकल सिर्फ खेती के लिए ही यूज करते हैं क्या? नहीं, खेती के अलावा जो है आप घर पे जो हम लोग गार्डन्स रहते हो और आप देखोगे टर्फ्स की बात करते हैं, ग्राउंड्स की बात करेंगे तो वहाँ पे टर्फ्स यूज़ होता है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको पानी डाला जाता है और ये जो है उसको सही तरह से होना चाहिए, तो आप देख सकते हो लॉन्स और गार्डन्स इसको यूज करना पड़ता है, होम केयर पब्लिक हेल्थ केयर के लिए भी इसका यूसेज होता है। तो ये है फ्रेंड्स हम लोग अभी तक जो देखे हैं इस तरह से ये चल रहा है, ये ग्लोबल उस टाइम का जो है 2012 का जो है ये नंबर दिया गया था। तो आप देख सकते हो क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर पोर्शन कवर करता है, उसके बाद आप देखो नॉन क्रॉप प्रोटेक्शन यूसेज के लिए यूज होता है। तो आप देख सकते हो सो ग्लोबल मार्केट इस हिसाब से ये बात कर रहे थे। तो ये एक
पॉइंट है जो मैं कवर करना चाहता था। अब दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं एक्चुअल इंडियन नंबर्स के ऊपर बात करने वाले हैं, और बहुत सारे एग्रीकल्चरल कंपनीज जो है और बहुत सारे जो कंपनीज है इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग दृष्टिकोण डालेंगे कि एक्चुअली है क्या। तो ये एग्जीक्यूटिव समरी में हम लोग कुछ देखेंगे कि कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस पल्सेस, ये अगले इसमें रहेगा, ये हम लोग उसमें कवर कर लेंगे। देखिए हाँ, ये देखिए तो एग्रीकल्चरल इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर हम लोग थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि खेती का किस तरह से किस स्तर पे हमारा जो है खेती है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है पूरे दुनिया में। सो इंडिया का जो है 1/10 लार्जेस्ट अरेबल लैंड एरिया इन द वर्ल्ड, जैसे मतलब 10% जो है इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड है पूरे दुनिया का। सो बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड हम लोग मान सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग हमेशा बात करते हैं कि इंडिया इज अ अरेबल एग्रीकल्चरल कंट्री। तो ये देखिए, अलॉन्ग विथ 20 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स 46 आउट ऑफ 60 सॉइल टाइप्स फाउंड ग्लोबली। तो आप देखिए इंडिया में 20 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स है हमारे पास, मतलब आपने पढ़ा होगा कि इस वातावरण में इतने ये ही फसल उगती है, उस वातावरण में वही फसल उगती है। जैसे आप देखोगे नॉर्थ में देखोगे तो आपको गेहूँ, और यहाँ पे नीचे देखोगे आप जो है राइस उगते देखेंगे हम लोग। तो ये दोनों का अंतर क्यों है कि क्लाइमेटिक डिफरेंस हम लोग देखेंगे, ऊपर जो है थोड़ा सा ठंड रहता है, नीचे जैसे जैसे आप साउथ की तरफ आओगे वैसे वैसे आपको जो है गर्मी जो है स्तर बढ़ते रहेगा, क्लाइमेटिक टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, हम लोगों को ये पता ही है। और इसमें आप देखो कितने तरह के सॉइल टाइप्स है इंडिया में, देखो 46 पूरे जो है खेती करने के लिए करीबन 60 अलग अलग तरीके से जो है सॉइल का जो है एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें थे आप 46 इंडिया में पाते हो, तो कितनी बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ों को हम लोगों को समझना चाहिए, एक अच्छी बात है ये, शायद ये मेरे लिए भी नई बात चली जब मैं इसको देख रहा था, तो ये मुझे पता नहीं था इसका, बट डेफिनेटली आपको भी शायद पता नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये आपको यूजफुल होगा। और यहाँ पे देखो, ऑल्दो द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर तो GDP इज अराउंड 13.8%, सो आप देखिए ओवरऑल नंबर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 13.8, ये हम लोगों ने एनालिसिस जब हम लोग कर रहे थे GDP के नंबर्स हम लोग जब देख रहे थे, तो एग्रीकल्चर कितना सपोर्ट करता था, मैन्युफैक्चरिंग कितना सपोर्ट करता है, और आपको सर्विसेज कितना सपोर्ट करता है, तो एग्रीकल्चरल हम लोगों ने देखा है कि 13.8% से बढ़ रहा है। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे आप देख रहे हो, तो एग्रीकल्चरल फिशरी फॉरेस्ट आर एस्टिमेटेड एज 19 लाख करोड़। तो आप देखिए इतना बड़ा जो है आपको बिजनेस जो है इस पर्टिकुलर मतलब नंबर है, वैल्यू ऑफ जो है एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, और ये पूरा कितना पॉपुलेशन कितने लोग इस बिजनेस से जुड़े हैं, 58% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो इस पे ध्यान देना चाहिए, लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, डेफिनेटली ये कंसर्निंग पॉइंट है, इस पे अगर नहीं काम करेंगे तो बहुत इश्यू रहेगा। तो आप देख सकते हो ए ग्रोथ ऑफ 4% वॉज रजिस्टर्ड इन GVA बाय द एग्रीकल्चरल एंड अलाइंड सेक्टर्स इन 2019-20। तो ये ऑलमोस्ट 4% बताया गया है, बट लेटेस्ट हम लोगों ने जो डेटा देखा है वो 3% है, तो 3% से पिछले साल ग्रो होते हम लोगों ने देखा है, और लेटेस्ट 12 मंथ्स की बात हम लोग जब कर रहे थे वहाँ पे भी आप हम लोगों ने 3% देखा है, और क्वार्टर बाय क्वार्टर आप देखोगे तो बीच में सेकेंड क्वार्टर शायद 4.5% से एग्रीकल्चरल का जो है आउटपुट जो है ग्रोथ हम लोग देखेंगे। डेफिनेटली गवर्नमेंट का पॉइंट ये है कि इसको तीन जो एवरेज में जो 3 और 4 का है ये बढ़ा के 6% की बात बढ़ाने की बात कर रहे थे, एग्रीकल्चरल 6% से बढ़ेगा, तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था इस बात पे, क्यों 6% बढ़ना मतलब बहुत बड़ा
एक बड़ा रेवोल्यूशन की जरूरत है इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर में, और वो अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है। तो वो एक ड्रॉबैक है पर्टिकुलर पर्टिकुलर गवर्नमेंट के हिसाब से हम लोग अगर देखते हैं, कोई भी मतलब ये एक ही गवर्नमेंट नहीं, बाकी हर गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से मतलब कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। तो इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, पल्सेस, मिल्क, टी, कैश्यूज, जूट, मैंगो, बनानास। तो आप देख सकते हो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें, अगर आप हमको पता ही है कि ये देखो स्पाइसेस की बात करते हैं, पल्सेस की बात करते हैं, इंडिया में ही सबसे ज़्यादा जो है ये जो है यूज़ किया जाता है। लोग इंडिया में आके इसको इसका फूड का टेस्ट करके वो लोग फिर वहाँ पे उस चीज़ को अपना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे तीखा मिर्ची खाने की आदी है और ज़्यादा जो है उस हिसाब से आदी है, तो वो ही चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो। और आपको समझना ज़रूरी है कि एग्रीकल्चरल में दो रहते हैं, एक जो है फूड और एक कमर्शियल। तो नॉन कमर्शियल या सीरियल्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको बेनिफिट मिलता है, पैसा भी लगता है। तो आप देखिए सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शुगर क्रेन, ऑयल, कॉटन, ऑयल सीड्स। सो आप देखो ऑयल सीड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बावजूद हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। इम्पोर्ट जो है हम लोग ऑयल सीड्स ऑयल जो है हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो ये एक समस्या वाला है कि वो लोग की रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो यील्ड का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो ऐसे ये क्रिटिकल पॉइंट है। आप बाकी सब चीज़ें ठीक है, खाना खाए बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हो, ये सबको पता है। तो डेफिनेटली ऐसे सेक्टर के साथ आप अगर डेफिनेटली आप कंसिडर नहीं करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, डेफिनेटली आप कुछ गलत कर रहे हो आप पूरे पोर्टफोलियो में। आउट ऑफ इंडिया टोटल क्रॉप प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन रिपोर्टेड रीच एज इतना। तो ये आप नंबर्स देख रहे हो, तो नंबर्स में आप देखो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप ये आप देख रहे हो, ये 319 है। टोटल फूड ग्रेन्स का आप देखो 1,00,000 मिलियन टन, 260.3। आप ऑयल सीड्स की बात करते हो तो ये है, कॉटन आप देखोगे तो कॉटन जो कॉटन रिच है बेसिकली अलग अलग प्रांत में हम लोग ये देख रहे हैं। तो मेजर इंपोर्टर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इंडिया से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कौन सप्लाई ज़्यादा देता है, तो आप देख सकते हो ईरान सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है इंडिया से इंपोर्ट कराता है, सऊदी अरेबिया, वियतनाम, यूएई, यूएस, इराक, नेपाल, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप देख सकते हो ज़्यादातर तो हम लोगों को यहाँ पे आप देख रहे हो अरेबियन कंट्रीज जो है इंडिया से जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है सप्लाई करवाता है, इंपोर्ट कराता है। तो ये एक अच्छा नंबर यहाँ पे हम लोगों को देखने मिल रहा है। अब यहाँ की बात हो रही है, ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको लगेगा कि हम लोग एग्रीकल्चरल के ऊपर ही बात कर रहे हैं, बट डेफिनेटली एग्रीकल्चरल के ऊपर बात करेंगे तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि उतना उसका इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा है। आगे भी हम लोग और उसको देखेंगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ज़रूरी है, तो हम लोगों ने पहले ही देखा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, एग्री केमिकल प्रोडक्ट्स हम लोगों को यूज़ करना है। तो आप देखिए ईल्ड की बात करते हैं तो वीट वीट का नंबर देखेंगे तो आप इंडिया 3.2 है और बाकी के हिसाब से यूएस का भी 3.2 है, बट चाइना का आप देखो कितना बड़ा है नंबर। और उसके साथ आप देखो ये OECD कंट्रीज, सो ये आप देख सकते हो। उसके बाद मेज देखो यहाँ पे इंडिया में 3 है, 4.4, 11.1, 6.1। आप फिर राइस की बात करते हो 2.6 है इंडिया का, 5.4, 5.9, 4.9। सो भले ही प्रोड्यूसर है बट आप देखो ये नंबर और बढ़ना चाहिए, तो यील्ड जो है यील्ड में गिरावट है, तो ये एक इश्यू है। तो आप देख सकते हो हार्वेस्ट लॉस ज़्यादा रहता है, क्लाइमेट रिस्क बहुत ज़्यादा है इंडिया का। इंडिया इज़ अ कंट्री बेसिकली इतने साल हो गए बट इरिगेशन पे अभी भी काम नहीं होता है, अभी भी हम लोग जो है
बारिश के लिए रुकते हैं, और आपने देखा होगा कुछ कुछ स्टेट जो है हर हर साल बाढ़ आती है, कुछ कुछ स्टेट्स में बारिश ही नहीं आती है। तो ये बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ पर ज़्यादा बारिश है वहाँ से इरिगेशन पे काम नहीं हुआ है, ये एक रियलिटी है, और इस वजह से इतना पीछे हम लोग देख रहे हैं। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स तो छोटे छोटे है, मतलब सब मिलके एक साथ फसल करेंगे तो उससे होता कैसा है कि अगर एक एकड़ ज़मीन पे मैं अगर पूरे जो इतना टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो मैं एक एकड़ ज़मीन पे मैं मेरे लिए बहुत महंगा हो जाएगा। अगर वही मैं अगर 100 एकड़ ज़मीन जो है खेती जो है सब मिला के अगर मैं करूँगा तो डेफिनेटली मैं उतना खर्च कर सकता हूँ कलेक्टिवली। तो वो पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो उस पर भी डेफिनेटली थोड़ा सा बात होना चाहिए। तो लो इन्वेस्टमेंट इन R&D, यहाँ पे आप देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमेशा हमेशा बताता हूँ कि कोई भी सेक्टर पे आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो डेफिनेटली उसमें R&D होना चाहिए। तो हम लोग कितना स्पेंड करते हैं देखिए, इंडिया 0.62% जो है एग्रीकल्चर रिसर्च पे खर्च करता है, और चाइना और US देखो आप, चाइना 2.06 और ये 2.74 क्या है ये, इतना इतना बुरा लगता है एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बाद इस तरह के देखेंगे तो डेफिनेटली ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है, देखिए द अमाउंट स्पेंड ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च इन इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली 10-15 times लोअर दैन इन चाइना एंड US। तो देखिए डेफिनेटली उनका GDP ज़्यादा है, तो वो परसेंटेज आप देखोगे 2.74% ऑफ GDP US का, तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा क्योंकि वो उतना बड़ा इकोनॉमी है। तो उतने बड़े इकोनॉमी से अगर हम लोग 2.74 अगर निकालेंगे तो वो इनडायरेक्टली होता क्या है, 10 से 15 गुना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं इन रुपी टर्म्स, इन अमाउंट टर्म्स, कैश टर्म्स। तो ये इसीलिए यहाँ पे देखो आप, इसीलिए डिपेंडेंट रहता है ओवरऑल। अभी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के ऊपर आते हैं, तो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री का स्थान क्या है, तो ये थोड़ा सा मैं एक बार मैं बता देता हूँ। तो देखिए एग्रोकेमिकल्स इंडिया इज अ 4th largest प्रोड्यूसर है पूरे दुनिया में, और इसमें आप देखो उसका टोटल वैल्यू अगर बात करते हैं एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 2020 सो 42,000 crores है, और उसमें आप देखो 42,000 crore में इंडिया अपने एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए ये कुछ 20,000 crore का जो है एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं अपने फसल के लिए, और बाकी का जो है 22 crores जो है हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक बात है, इसके साथ आप देखो इंडस्ट्री किस पॉइंट से कितना CAGR से बढ़ रहा है, 8-10%। हम लोग हमारा GDP किस पॉइंट्स कितना इससे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 7-8-9 इस हिसाब से हम लोग देखते हैं, 8 हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये इंडस्ट्री 8-10% है, मतलब एवरेज GDP से आपको 2% हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको ये नंबर जो है 42 से ये ऑलमोस्ट 63-64 हो जाएगा, कितने साल में, अगले 4 साल में, ये 5 साल का नंबर है, तो अगले 5 साल में आप देखो इतना नंबर इस हिसाब से ये ग्रो हो रहा है। तो ये ग्रोथ आप देखोगे तो डेफिनेटली ग्रोथ है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए। तो ये एक नंबर हम लोग देख रहे हैं। तो रेगुलेटरी फ्रंट में थोड़ा सा दिक्कत होता है इस पर्टिकुलर, इसमें देखिए प्रपोज्ड बैंड ऑफ 27 एग्रोकेमिकल मॉलिक्यूल्स एमंग्स सेवरल अदर्स। सो ये एक रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है जब भी हम लोग केमिकल्स की बात करते हैं, क्योंकि उस वजह से होता कैसा है, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और एक्सेस यूज ऑफ केमिकल्स ऑन फूड प्रोडक्ट्स ये भी अच्छा नहीं होता है। बीच में हम लोगों ने बहुत सारे फूड फास्ट फूड प्रोडक्ट्स में हम लोगों ने देखा है, तो वो चीज़ हम लोग वहाँ पे देखे हैं कि वो प्रॉब्लम आया है लोगों को, राइट फ्रेंड्स। तो अभी जितने भी लोग जुड़े हैं मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, तो आप जो है फॉर्म फिल कर लीजिए, फिर आखिरी के 10 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ फ्रेंड्स।
चलिए फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं जुड़े यहाँ पे, आप ये जो है फॉर्म फिल कर दीजिए, इसके बाद मैं सेशन अगले इसमें मैं कवर करता हूँ। सर ने यहाँ पे लिंक भी दे दिया है फ्रेंड्स, आप फॉर्म फिल करो। चलिए फ्रेंड्स, जितने भी लोग जुड़े हैं आप ये जो है फॉर्म फिल कर लीजिए, इसके बाद आखिरी का थोड़ा सा पार्ट है, मैं वो थोड़ा सा आपको एक आउटलुक दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग फटाफट यहाँ पे रेस्पॉन्ड कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया दीपक जी, कोई इश्यू नहीं। चलिए फटाफट फटाफट फ्रेंड्स, आप यहां पे रेस्पॉन्ड कीजिए, मैं एक और मिनट वेट करता हूं। 25-30 के करीब है हम लोग और फॉर्म नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल प्रीति जी, थैंक यू, मैं वेट कर रहा हूं, सेशन रुका है, आपको फॉर्म फिल करके आप बिल के जब फिर से आप ओके कर दो, फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर यदि किसी को आइडिया नहीं है फॉर्म कैसे फिल करते हैं, तो ये देखिए गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है। सो डिस्क्रिप्शन के नीचे अगर यहाँ पे एक छोटा सा एरो मिलेगा, सो ये आप क्लिक करो गूगल फॉर्म, और गूगल फॉर्म जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा, आपका नाम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ईमेल देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, आप किस ब्रांच से आप ये सेशन सुन रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे आंध्रा से सुन रहा हूँ, तो मैं आंध्रा लिखूंगा, नहीं तो फिर यहाँ पे गुंटूर लिखूंगा। तो आप यदि दिल्ली से हो तो दिल्ली लिखो, यहाँ पे किसी उत्तर प्रदेश की बात करो, या कोई भी प्रांत से, एक ऐसा कुछ पर्टिकुलर एरिया नहीं है, कोई भी प्रांत से अगर आप है देख रहे हो तो वो एरिया आप सबमिट कर दो, और फिर ये हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा चार ही है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। चलिए चलिए चलिए, मैं और ज्यादा समय नहीं दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, जितने भी लोग जुड़े हैं बिल्कुल फटाफट फटाफट आप ये फिल कर दो। चलो अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है इंडियन, इसमें स्ट्रक्चर आप देखो कौन सा क्या कंट्रीब्यूट करता है। तो इंसेक्टिसाइड देखो आप 36% है, फंगिसाइड 35.3, हर्बिसाइड 15%, पेस्टिसाइड जो है ये 19.11.9%। तो आप जो भी कंपनीज में आप देखते हो तो ये आप उस हिसाब से आप देख सकते हो। बायो पेस्टिसाइड्स हम लोग न्यायाधीश देख रहे हैं, तो ये देखिए एग्रो केमिकल प्रोडक्ट्स में क्या होते हैं, देखिए यूज्ड, तब वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हर्बिसाइड्स यूज्ड फॉर मैनेजिंग अनवांटेड प्लांट्स, ये हम लोग देखे हैं हम लोगों ने। इंसेक्टिसाइड यूज्ड फॉर मैनेजिंग इंसेक्ट्स, फंगिसाइड्स यूज्ड फॉर मैनेजिंग फंगस, और बायो पेस्टिसाइड जो है वो बायोलॉजिकल डिराइव्ड पेस्टिसाइड्स। सो बेसिकली जो है फसल को जो है केमिकल्स के साथ ना होते हुए बायोलॉजिकली उसको जो है डिराइव किया गया है, और उसके लिए वो यूज़ करते हैं। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यूजिंग फॉर इम्प्रूविंग प्लांट ग्रोथ एंड यील्ड्स, सो फसल जो है अच्छी फसल आएगी, तो उस तरह से भी जो आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी यूज़ कर रहे हैं,
तो ये सारे आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देख रहे हो, तो इतना नंबर हम लोगों को दिख रहा है। तो इस नंबर के साथ आप आपके जो है कंपनीज को देखिए, तो टॉप एग्रोकेमिकल एक्सपोर्टर्स बाय वैल्यू देखिए, नंबर बाय वैल्यू की बात करते हैं, यूएसडी बिलियंस 4, इंडिया कितना है 3.4, बाकी का हम लोग ध्यान नहीं देंगे। इंडिया इज अ मोस्ट थिंग, क्योंकि इंडिया में रहते हैं, इंडियन कंपनीज की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये नंबर और ज्यादा जाना चाहिए, 3.4 है। तो ये एक चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, शेयर ऑफ मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू इंडियाज एग्रोकेमिकल इम्पोर्ट्स इन 2018-19। तो यहाँ पे देखो आप, जो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, तो चाइना 53% यूज कर रहा है, इसके बाद आप देखो अदर्स 20%, यूएस 11%, जर्मनी 7%, जापान 5%, इजराइल 4% है, ये टोटल इस तरह से आप देख रहे हो। सो ये देखिए चैलेंजेस क्या है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को, पढ़े लिखे नहीं रहते हैं किसान, तो साइंटिफिक तरीके जो है उनको दिक्कत हो जाती है। तो बहुत सारे जो है ऐसे गवर्नमेंट के तरफ से आते हैं जो जो इस चीज़ों को यूज़ किया जाए, और बेसिकली हाई रिलायंस ऑन जेनरिक मॉलिक्यूल्स, तो R&D करना पड़ता है, लो यूसेज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, तो एग्रोकेमिकल यूसेज जो है इंडिया में बहुत कम है। तो ये हम लोगों ने देखा है कि 0.6 है, तो ये यूसेज कम है। उसके बाद भी हम लोग ये बोलते हैं कि इंडिया में जो है जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो पेस्टिसाइड कंजम्पशन बाय कंट्री इन 2017 का डेटा, लेटेस्ट डेटा आप देखोगे, इंडिया इज 0.6 और जापान चाइना जो है ये ज़्यादा है। तो डेफिनेटली इंडिया यूज़ करना चाहिए, बट इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि दिक्कत ना हो और फसल भी बने। तो ये ड्राइविंग फोर्स है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री टारगेट जो है इंडिया का 5 trillion इकोनॉमी को रीच करना है, तो ये एग्रो केमिकल इंडस्ट्री का भी बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आप ये आप देखो, कंट्रीब्यूशन टू CAGR आर ऑफ 9.3% इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो आप देखिए 9.3% अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर बढ़ना चाहता है, तो देखिए यील्ड जो है 4 से 4.5% के हिसाब से बढ़ना चाहिए। पूरा उपज जो है, अगर 10 लाख का अगर जो खेती का जो पूरा जो है वो 10 लाख से बढ़ के 3% अगले साल जो है 10 लाख से 3% बढ़ना चाहिए, तो इस हिसाब से ग्रो होना चाहिए। और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है 2 से 2.5, तो ये सारा मिला के जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है 9.3% से ग्रो होगा। तो ये अगर आप देखोगे तो आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट इम्प्रूव होना चाहिए, एग्रोकेमिकल्स एक्सपोर्ट होने चाहिए, और एग्रीकल्चरल जो है ये एग्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स इम्प्रूव होना चाहिए, और जो है फसल जो है फाइनल प्रोडक्ट्स उसको बढ़ना चाहिए। तो ये तीनों कब बढ़ सकते हैं, जब आप जो है यील्ड बढ़ाओगे, यील्ड बढ़ाओगे तो मतलब एग्रो केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज करना जरूरी है। तो ये देखिए ग्रोथ ड्राइवर्स, तो ये सारे चीज आप देखो, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये है बेसिक आइडिया एग्रोकेमिकल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ कि एग्रोकेमिकल कंपनी जो है इंडिया में करीबन कुछ 23 है। आप इस पूरे लिस्ट को आप थोड़ा सा देख रहे हो, तो इसमें आप देखोगे कंपनी का आउटकम क्या है। तो देखिए क्वार्टरली नंबर्स हम लोग देख रहे हैं, तो क्वार्टरली प्रॉफिट्स अगर देखेंगे तो देखिए ये प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट्स आपको ऐसे दिख रहे हैं, और क्वार्टरली सेल्स आप देख रहे हो तो क्वार्टरली सेल्स आपको दिखेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पे हम लोगों को दिख रहे हैं। तो ये आप नंबर्स इस हिसाब से देख के आप खुद उसको एनालिसिस कीजिए, और इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है वो आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। तो रिपोर्ट मैंने आपको बोला है, फिकी का रिपोर्ट है ये, मैंने बहुत पहले ही मैंने इसको डाउनलोड कर दिया था, तो आप फिकी मैं आपको फिर से ये मैं लिख, फिकी का रिपोर्ट आता है, इंडस्ट्रियल रिपोर्ट देता है फिकी रिपोर्ट, मैंने वहाँ पे लिखा है देखिए।
उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और नॉलेज ले सकते हो, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको भी आइडिया रहेगा। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये जो एक अलग इंडस्ट्री है जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और हमेशा हम लोग केमिकल स्पेशलिटी केमिकल पे फोकस करते हैं, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा सेक्टर है, क्योंकि ये सेक्टर का बढ़ना आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छा है। इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए एज फार एज एग्रीकल्चरल की बात करेंगे, तो एग्रीकल्चरल के लिए भी अगर हम लोग डिपेंडेंट होते हैं तो इंडिया के लिए बुरा है। और हम लोग पिछले साल देख रहे हैं बहुत सारे कमोडिटीज जो है हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो अगर होता है तो बेसिकली वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये यील्ड का बढ़ना ज़रूरी है, तो यील्ड कब बढ़ेगा, जब हम लोग एग्रोकेमिकल्स यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग, जितने भी लोग जुड़े हैं, हम लोग कल फिर से 5:30 बजे मिलते हैं, और साथ ही आप ये सेशन बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो सब्जेक्ट मैं धीरे धीरे कवर करूँगा, कॉन्सेप्ट कवर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, कल फिर से हम लोग 5:30 बजे मिलते हैं। और दर्शक जितने भी हैं, ये वीडियो आप देख रहे हो, डेफिनेटली आप अगर सीख रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में डालिए, और साथ ही में आप गूगल फॉर्म फिल कीजिए, मैं वही चाहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स वेरी मच, और कल फिर से हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वंस अगेन।